खुदा की पैसा बहुत है मगर मुझे प्यार चाहिए। ना भाई ना भाई, हमें प्यार यानी कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, ओनली पैसा। मैं कमिंग सर। यस कम सी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज राजा। थैंक यू। ओके फाइन, बट तुम तो मैकेनिकल से बीटेक किए हो, देन आईटी क्यों? सर मैकेनिकल लेने सर उस टाइम पेरेंट्स बोले थे और उस टाइम नॉलेज भी नहीं था सर कौन सा ब्रांच। ओके बट सर आई हैव स्किल्स इन सी, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, जावा। ओके गुड, अगर सिलेक्शन हो जाता तो एक वीक अंदर मेल कर दिया जाएगा। ट्राई कर लेता हूँ यार, मार्केटिंग का जॉब है आज। मैं करूँ सर। यस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गिव मी चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राजा एंड आई एम फ्रॉम धनबाद। थैंक यू। फाइन, बट मैकेनिकल होके तुम मार्केटिंग में जॉब क्यों करना चाहते हो? सर मैकेनिकल लेने तो मम्मी पापा बोले थे उस टाइम। बट सर आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, इज नॉलेज इन सेल्स एंड ऑल्सो हैव गुड कन्विंसिंग स्किल्स। कन्विंसिंग स्किल, एक एग्जांपल दो, कभी कोई काम किसी को कन्विंस करके कराए हो? सर अभी तो आपको कर रहा हूँ कन्विंस ताकि जॉब मिल जाए। सिलेक्शन हो जाए एक वीक में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर। कहां से चले आते हैं ये सब? आज तो बीपीओ है यार, बस खाली फोन में बात करते रहो और काम खत्म। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Raja and I am from Dhanbad. Thank you. Good, good. तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, मैकेनिकल से बीटेक किए हो, देन मैकेनिकल का जॉब छोड़ के बीपीओ में काम क्यों करना चाहते हो? मैकेनिकल तो सर मम्मी पापा बोले थे तब लिए थे और उस टाइम नॉलेज भी नहीं था सर कौन सा ब्रांच लूँ, इसलिए। ओके बट बीपीओ में जॉब करके क्या तुम सेटिस्फाई रहोगे? बिकॉज सर मुझे नए लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, दूसरों को हेल्प करने में अच्छा लगता है और ताकि दूसरा मेरे हेल्प से सेटिस्फाई हो फुल्ली, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है सर। दूसरों को हेल्प करने में इतना अच्छा लगता है, इसमें सेटिस्फेक्शन होता है, तो फिर सोशल वर्क क्यों नहीं करते? ओके लेकिन बीपीओ में तुमको 8000 सैलरी मिलेगी पर मंथ और तुमको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। आर यू सेटिस्फाइड इन 8000? यस सर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ओके डन, कांग्रेचुलेशंस, परसों से हमारी कंपनी ज्वाइन की है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जितने भी ये वीडियो देखे इसमें एक मैसेज तो था, ये कमेंट फुल कमेडी था, बट इसमें मैसेज ये आप लोग देखिए कि कैसे आप लोग को बाद में प्रॉब्लम होता है। जब आप लोग क्लास 11 या 12 में हो तभी आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग को इसमें इंटरेस्ट किस में है, आप लोग का स्किल्स किस में अच्छा है, किस में आप लोग खुश रहिएगा करके, तो वही ब्रांच लीजिए, वही कोर्स कीजिए, ना कि बाद में ऐसे बोलना पड़े कि सर मम्मी पापा बोले थे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, आप लोग खुद से डिसाइड करते हो। और दोस्तों वही ब्रांच ले, उसी कोर्स तो पढ़ें, और ताकि आप लोग पूरा 4 साल या 3 साल जितना भी कोर्स उसमें आप लोग पूरा प्रिपेयर कर पाए, ताकि आपका जो आपका मोटिव है, जो जॉब लेना है, जो फील्ड में काम करना है, उसमें आपको एकदम 100% काम मिलेगा। और दोस्तों ऐसे और भी वीडियो हमारे चैनल में मिलेगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेंगे, तो हमारे वीडियो और अच्छा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
बाय बाय, और कीप लविंग, अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहे दोस्तों।